हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड मैं डॉक्टर रॉबिन सिंचुरी। फ्रेंड आज हम बात करेंगे बीपीए फ्री प्लास्टिक्स के बारे में। ये बीपीए होता क्या है और बीपीए फ्री प्लास्टिक को आपको कैसे पहचानना है और बीपीए वाला प्लास्टिक में का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या हानि होता है उसके बारे में संक्षेप में आज मैं बताऊंगा। और फ्रेंड वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। देखिए बीपीए मतलब बिसफिनॉल ए। देखिए एक रासायनिक तत्व होता है जो कि प्लास्टिक में पाया जाता है। अब देखिए हम लोग जो प्लास्टिक जो इस्तेमाल करते हैं कुछ सामान को रखने के लिए, टिफिन बॉक्स के लिए, खाने का डब्बा के रूप में या फिर पानी पीने के बॉटल के रूप में, तो ज़्यादातर ये जो प्लास्टिक्स होते हैं वो थोड़ा सा कड़ा प्लास्टिक होता है यानी कि हार्ड प्लास्टिक्स होते हैं। अब देखिए जितना भी इसमें जो इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक है वो आप कृपया बीपीए फ्री प्लास्टिक ही इस्तेमाल करें, क्योंकि देखा गया है जो बीपीए वाला जो बीपीए जो रासायनिक तत्व होता है यानी कि बिसफिनॉल ए, तो ये क्या होता है कि हमारे खाने का जो सामान होता है तो उसके अंदर जो रासायनिक तत्व होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, तो बीपीए जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि खाने का जो सामान में जो केमिकल्स होते हैं उसके संपर्क में आने से एक खतरनाक रासायनिक तत्व का मिश्रण बन जाता है यानी कि केमिकल रिएक्शन होके एक मिक्सर बन जाता है जो कि शरीर में जाके ये काफ़ी हानि पहुँचा सकता है। देखिए प्लास्टिक अगर शरीर में जम जाए तो आपको स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन में हेमरेज हो सकता है, साथ में नपुंसक की शिकायत हो सकता है यानी कि इनफर्टिलिटी हो सकता है, लीवर ब्रेन हर जगह ये इफेक्ट कर सकता है। रही बात इसको पहचाने कैसे कि कौन सा प्लास्टिक बीपीए फ्री है और कौन सा नहीं है, तो देखिए इसके लिए एक कोड होता है यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन कोड या फिर रिसाइक्लिंग कोड भी बोलते हैं। अब देखिए प्लास्टिक्स को, प्लास्टिक का जो भी बर्तन हो या बॉटल हो उसको अगर उल्टा करेंगे या फिर साइड में देखेंगे तो वहाँ पे त्रिकोणी आकार का एक चिन्ह दिखाई देगा आपको, तो उसके अंदर संख्या लिखा रहेगा यानी कि नंबर लिखा रहेगा, या एक हो या फिर दो हो या फिर चार हो या फिर पाँच हो या फिर छः हो, इनमें से कोई भी अगर संख्या वो त्रिकोणीय आकार के बीच में लिखा रहता है तो ये बीपीए फ्री प्लास्टिक है। और साथ में अंग्रेजी में कुछ कुछ अक्षर लिखा रहता है जैसे पीईटी हो या फिर पीपी हो या फिर पीएस हो या फिर एचडीपीई, ये अंग्रेजी का अक्षर है। अगर ये इसके साथ त्रिकोणीय आकार में जो मैंने आपको संख्या बताया उसमें से कोई भी संख्या अगर लिखा रहे तो ये बीपीए फ्री प्लास्टिक है, तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं इसका कोड, आप ध्यान से इसको देखिएगा। अब देखिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऐसा चीज़ों के लिए यानी कि खाने का सामान रखने के लिए, पानी का बोतल में बोतल से पानी पीने के लिए, तो ये जो प्लास्टिक होता है थोड़ा हार्ड होता है, तो इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े टूट के उसमें गिरने थोड़ा सा इसमें संभावना कम होता है। देखिए प्लास्टिक का छोटा छोटा कण जो होता है जो कि हम लोग आँख से नहीं देख पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नैनो प्लास्टिक्स। देखिए नैनो प्लास्टिक्स के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, चाहे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी, बीपीए फ्री प्लास्टिक्स आपको खरीदना है, इसको कैसे पहचाने हैं और बीपीए क्या होता है। कृपया तो जब भी आप प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं तो बीपीए फ्री प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करें। लेकिन जाते जाते मैं और एक चीज आपको बताता हूँ, जितना हो सके प्लास्टिक का प्रयोग करना आप बंद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्लास्टिक्स और हम इंसान और वातावरण जुड़ा हुआ है, तो प्लास्टिक्स की वजह से हमारा स्वास्थ्य में बहुत हानि पहुंचा सकता है, साथ साथ में हमारा वातावरण को भी ये काफ़ी ये क्षति पहुंचा सकता है। तो इससे क्या होता है, प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करने से हमारा जो वातावरण का मिट्टी का गुणवत्ता को भी ये बहुत खराब कर दिया गया है या फिर खराब कर रहा है,
तो इससे क्या होता है कि हमारा जो उपजाऊ होता है एग्रीकल्चर खेती में भी ये काफी असर करता है। तो आपसे निवेदन करता हूं, अगर आप किसी कारणवश मजबूरी में अगर आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो BPA फ्री प्लास्टिक यानी कि बिसफिनॉल ए मुक्त प्लास्टिक इस्तेमाल करें, या फिर प्लास्टिक को पूरी तरह से जितना हो सके इस्तेमाल करना बंद करें। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, ऐसे ही वीडियो लेके हम लोग फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।